आज है वेनसडे और 8 बज गया है, ठीक है। और अभी जाके कन्नू सोया है, मतलब सोया ही नहीं था एक्चुअली, उसके दादू भी आ गए थे, तो बस वो अपने दादू के साथ खेल रहा था, दादू उनके साथ खेल रहे थे, ना उनको सोने दे रहे थे ना वो सोना चाह रहा था, तो उसको भी लग रहा था नहीं कोई खेलने वाला मिल गया है मुझे, तो खूब मस्ती करी उसने। अभी सोया है 7:30 बजे, ब्लॉग में शाम से शुरू करी क्योंकि जस्ट मैंने अभी एक शॉपिंग वाला वीडियो शूट किया था, आप लोगों को शायद वो मिल गया होगा, आई होप आपको पसंद भी आ रहा होगा, मुझे अभी पता भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी उसे एडिट नहीं किया है। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पता है जीने पे आज ऐसा फील आ रहा है कि हाँ हम लोग मस्ती करने के मूड में बैठे, ये देखो इसकी हमेशा पोज देने के मूड में बैठी रहती है, देखो जरा इसके मतलब क्या बोलते हैं, कोई फोटोग्राफर अगर देखेगा तो वो चीज़ें अच्छे से बता पाएगा। और ये देखो ये हम लोग गंदी गंदी चीज़ें खाने आए हैं, एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने कॉर्नफ्लेक्स खाए, उसके बाद हमने कहा इतना हेल्दी सामान खा लिया है तो पेट को हजम नहीं होगा तो कुछ अनहेल्दी जाना चाहिए। कल मैं मकेन के समोसे लेके आई थी, मुझे पता है नहीं खाने चाहिए लेकिन हमने कहा यार कभी कभार चलता है। बाहर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है, यहाँ जीने पर बैठ के मस्ती करने जा रहे हैं। अभी एक्चुअली ये गए हुए हैं किसी काम से, वापस आते हैं फिर देखते हैं क्या खाना बनता है, कैसे क्या होता है। बाकी पसीने पसीने हम हो रखे हैं, कमरे में हम जा नहीं सकते क्योंकि गन्नू भैया सो रहे हैं, पीछे बेडरूम में जा सकते थे लेकिन उलझन हो रही थी बेडरूम में, मतलब बंद मन सा लग रहा था इसलिए हम लोग बाहर आके बैठ गए हैं। ये फिर देखो पोज मारी मस्ती मार रहे हैं, बताइए हमसे बहुत छोटी है, ठीक है। तो हम मतलब बिल्कुल ही मेरी परछाई जैसा फील लेती है क्योंकि ये भी मेरे जैसी है, इसको भी काम ज़्यादा पसंद नहीं है इसका, मतलब हम इसका वाला सीन है, हम मतलब इसको देखते ना हमें बिल्कुल, हम बार बार कहते हमको हमारा याद है सी। अगर मुझे किसी के यहाँ इस उम्र में छोड़ा जाता था, जैसे 12th में अभी आई है, हमें छोड़ा जाता था हम बैठे रहते थे, हमें समझ ही नहीं आता था काम करना क्या है, तो कुछ भी पड़ा रहता था, अगर मुझसे कोई कुछ कहते ये काम कर दो तो हम फटाफट से कर देते थे, वाह मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, ठीक है। और अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता था मुझे काम करने क्या है, कभी नहीं समझ में आया, ठीक है। ये सेम डिटो इसका हाल है, इस अगर चादर चेंज करनी होगी इससे कहा जाएगा हटो चादर चेंज करनी है, इसका ये नहीं है कि बेड से सामान उठाते उठ के अलग बैठ जाएगी चेंज कर लो। आज एक्चुअली शाम में मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, इसको देखो ये इतना प्याज क्यों कटवाए हुआ, तो आज ये हुआ है, एक तो मेरा लाल मेरा पीला मेरा हरा मेरा नीला सोने को तैयार नहीं होता है, कहता मम्मा मेरे को सोना ही नहीं है, ठीक है। अभी वो सोया है इसलिए वहाँ हम लोगों ने लाइट वाइट सब कुछ बंद करके रखी है कि भैया कहीं हमारे जग ना जाए सरकार ना, मैं इधर इस वजह से आ गई हूँ, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, तो आज मेरा मूड इसलिए ख़राब है, पता है यार रोज़ का ये हो गया, 3 दिन से गुड़िया नहीं आ रही थी तो पूरा काम मेरे पे पड़ रहा था, और ज़्यादातर मैक्सिमम ये होता है कि शाम में हम लोग खाने वाली से खाना नहीं बनवाते हैं। आज फिर वो आज मैंने जबकि उनसे कहा भी था यार थोड़ा सा कि आज आप देख लीजिए मैनेज कर लीजिए, बट उनका भी कुछ नहीं, उनको मार्केट जाना था तो उन्होंने सब जगह से छुट्टी ली थी, तो वही वाला हाल हो गया। तो मैंने जब फ़ोन किया उनको भूल गई थी, हाँ बहुत टाइम हो गया, मैंने जब फ़ोन किया उनको कि दीदी आई नहीं, तो कह लगे यार हम तो भाभी आपको फ़ोन करना भूल गए, 9:45 बज गया था, फ़ोन करना भूल गया। और मार्केट में कहा चलो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए गुस्सा आई, फिर मैं कह यार करना मुझे को ये तो फटाफट से उठो और करो। और आजकल दिन पता नहीं क्यों यार मई जून के दिन ऐसे हो रहे हैं, पता ही नहीं चला मुझे ये जून है, वैसे बचपन में यार कैसे दिन बीतते थे, 10:15 बजे मम्मी का पूरा काम हो जाता था, उसके बाद दिन भर बैठे रहते थे टीवी देख लेते थे सब कुछ करते थे, टाइम नहीं कटता था। यही अनामिका कहती भी है, कहती हाँ दीदी यहाँ तो टाइम पता नहीं चलता है, और वहाँ ऐसा था कि टाइम कटता नहीं था, सो भी लेते थे 4 घंटे तो भी टाइम नहीं कटता था, और यहाँ उसको टाइम पता नहीं चलता है। तो आज अभी मैं बाकी काम कर चुकी हूँ, तो आज ये बनाने जा रहे हैं मसाले वाली बेहतरीन वाली खिचड़ी, क्योंकि रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे, तो आज ये हुआ कि थोड़ा सा कम वैसा खाना खाया जाए। और मैं डिनर भी अभी 5 बजे किया है, मतलब 4:30-4:45 बजे हमने डिनर किया था, काफ़ी लेट किया, हाँ हमने डिनर बहुत लेट किया है 5:30 बजे डिनर किया बहुत पहले कर लिया डिनर एक्चुअली हमने लंच बहुत लेट किया था, तो इसीलिए ये हुआ कि बहुत कम कुछ खाने का मन कर रहा है। तो आज एक्चुअली मैं ये देख रहा है ना जीजा साली दोनों किचन में हो, और ये बंदी मतलब मैं किचन में अब तक काम कर रही थी, आई भाग के फिर कहती मुझे लगा जीजू किचन में काम कर रहे हैं, वहाँ जैसे देखो वापस आओ तुमको काम दिखता नहीं है, ये तुम्हें पता है, सुनो ना ये मेरा ना अपडेट वर्जन है, मालूम है इससे हम बार बार यही कह रहे हैं, हमें मतलब
पता चलता था ये हमसे भी एक हाथ ऊपर हो गई है, इसको समझ ही नहीं आता है कि थोड़ा बहुत। फिर कह, अरे दीदी मुझे समझ, काम दिखते ही नहीं है मुझे। मैंने कहा रुको मैं दिखाती हूँ। फिर इसको मैंने बहुत सारे काम दिखाए उसी देते हम दोनों मिल के। मैं कहा ये समझ, यहाँ हाँ, अरे हाँ ये काम भी है, ये काम भी है, वहीं से मस्ती कर रहे हैं हम लोग हैं। तो अभी गन्नू सो रहा है और पापा भी उधर ही रूम में गन्नू के साथ ही लेटे हैं और अभी खाना बन रहा है। देखिए कैसे दिन बीत जा रहा है पता नहीं चल रहा है। और एक तो बाल खोलने का इतना मन करता है, कभी कभी मुझे बड़ी चुनौती। ये अभी क्या कह रही थी, स्कूल खुल गया है ठीक है और अब दो छुट्टी बना के हमें जाना पड़ेगा। और लेकिन गन्नू इस बार तो मेरी दो छुट्टी बहुत पतली बनने वाली है ना, गन्नू ने तो और भी बाल मेरे तोड़ दिए हैं। वैसे इसके बाल हल्के हैं। बस एक काम करें, अगली बार आना तुम बाल अपने गिन के आना, फालतू में मेरे लड़के के ऊपर तुम दोष लगा रही हो बाल तोड़ा है ना। अगली बार इससे बोले कि बाल गिन के आना तुम अपने, कि तुम्हारे कितने बाल टूटे हैं कितने नहीं टूटे हैं वो देखिए। इतनी हंसी मस्ती हो रही है ना कि पूछो नहीं, बता नहीं सकते हैं। ये लगी पड़ी, मेरी कोई इज्जत नहीं है घर में, मेरे को कोई पूछता नहीं है। हमने कहा एक काम करो, अपने घर से भी इसका 10 रुपये किराया पड़ता मटियाड़ी का, मतलब इसके स्कूल का जाने का। हमने बोला एक काम करना बेटा, तुम यहाँ से भी जाओगे तुमको 80 रुपये पड़ेगा, हम 10 रुपये दे देंगे। किचन का हाल देखिए, कुछ नहीं किचन का हाल दिखा रहे हैं जी, जो आप जीजा साली ने मिलके किया है उसको मुझे सही करना है। तो चलो मैं किचन का हाल थोड़ा अभी सही करती हूँ फटाफट से, 5-10 मिनट में आराम से सही, 5 मिनट में सही कर देती हूँ, 1 मिनट।
पाँच मिनट लगे मुझे किचन साफ करने में, किचन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक साफ हो गया। गैस पे एक बार बस ऐसे मार दिया क्योंकि सुबह जब खाने वाली आती है तो खुद से फिर से साफ़ करती है, फिर अच्छे से बना वो होता है। बट एक पोछा मतलब एक साफ़ कपड़े से पोछ दिया है ताकि गंदगी ना रहे। और बाकी खिचड़ी है, फ्राइड राइस है, आम काटने जा रहे हैं, आम कटेंगे और साथ ही साथ अभी जीरे वाला घी बनाऊंगी मैं, वो बहुत औसम लगता है। अब बस खाना खाते चलो, आ जाओ। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा? दादा बोला रहे। क्या बोल रहे हो? हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे? दादा। क्या बोल रहे थे? दादा। क्या बोल रहे थे छोटा मेरा? दादा। हाँ दादा। ब्लॉग चला था। अरे सही हो गया, मेरे इस फोन का कैमरा खराब हो गया था। और अभी मैं लगा रही हूँ तेल, नहीं हम नहीं लगा रहे, मतलब ये लगा रही है, तेल लगवा दी है। हाँ तो मैं तेल लगवा रही हूँ और यहीं पे बात हो गई। जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा अनामिका से बोल दो वो तेल लगा दे मेरे जरा, और बहुत खुजली हुई थी तुरंत। क्या बोले? मैंने बोला ठंडा तेल लेते हैं ना, फिर ठंडा तेल लेते हैं ना, मैं भी लगवाऊंगा। बस मैंने बोला अनामिका तुम किसकी तरफ ज्यादा लॉयल हो? सोचना पड़ा, कहती रुको मैं सोच कर इतना मारेंगे, बचपन से हमारे सामने पैड़ी बड़ी है ये, और सोच के जीजू की तरफ, कहती नहीं नहीं दीदी की तरफ ज्यादा है वैसे, बदमाश है तो डर के मारे बोल दी बस। अच्छा नाम का चलते बात है। हाय रे अनामिका बेटा, ये क्या है? ये प्यार है आप दोनों के लिए। दूसरा वाला तो दिख नहीं रहा भैया, ये दोनों ना हमको पागल कर दिए हैं। और सच बता रही, इससे हम बार बार यही कह रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत छोटी थी तो इसलिए अब लगता है कि यार बच्चे इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए, इसको हमने गोद में खिलाया था, अब लगता है ये ऐसी कैसे हो गई, ये सुबह से तो शाम तक मस्ती करती नहीं, बड़ी हुई लेकिन ऐसी धमाकेदार बड़ी हो गई थी, हमको पता नहीं था। ये वही है ना जो नाक चुआती घूमती रहती थी, तो बहुत धमाकेदार बड़ी हुई है कि पूछो नहीं। छोटे बच्चे सब ऐसे ही होते, बड़े बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग, सच्ची बता रहे हैं। मामा का फोन आया था, इससे कह रहे थे आओगी कि नहीं आओगी, नहीं क्या कहते मामा तुमसे, क्यों नामिका स्कूल खुल गए हैं? ये हमारे घर में सबसे छोटी है, है ना, लड़कियों में सबसे छोटी इसकी मौसी है, इससे छोटा अभी तक नहीं है। गन्नू की सबसे छोटी मौसी हैं। मस्ती करे, पापा चले गए सोने के लिए हैं क्योंकि पापा को वहीं सोना था, तो पापा वहाँ चले गए हैं। और बस लाइट चली गई है, ये चिल्लाए पड़ा था ऑन करो टीवी ऑन करो, मतलब कहाँ से टीवी ऑन कर दे भाई, लाइट चली गई है, तो लड़ाई कर रहा था। लड़ाई कैसे कर रहा था? ऐसे करता है, बताओ कैसे करता है? नहीं, कसम से अभी जब वो लड़ाई करेगा मैं जरूर ऑन करके आपको दिखाऊंगी, इतना क्यूट लगता है, ऐसे रोता नहीं है, ऐसे लड़ाई करता है, मजा आ जाता है उसको देख के। और आज मुझे कहाँ कहाँ नहीं जाना था, मुझे पार्लर जाना था थोड़ी देर के लिए, थ्रेडिंग कराने जाना था, इसका बाल कटवाना था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, कि हमने एक डॉक्टर भी पता कर लिए थे कि जाना, भाई सर है दिमाग दो ऐसे करके, इतना ऐसे कर रही है। तेरी इसके नाखून एक तो इतने बड़े हैं, इसीलिए कोई काम नहीं कर पाती है, उसको सही पाली है, कह रही है दो चार दिन बाद तो कटने ही है, हमने कहा काट डालो, इससे अच्छा पहले ही काट डालो, क्योंकि अब स्कूल जाएगी तो नाखून कटेंगे ना। और ये हाँ ये बता दू, मेरी मामा की बेटी है और अभी 12th में आई है, छोटी है बहुत, 11th पास करके 12th में आई है। मेरे घर में हो गए बहुत सारे मेहमान थे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा वाला लग रहा है। बाकी ये व्लॉग मेरा ऐसे ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा, सिंपल एंड स्वीट वाला। और बाकी किचन विचन में साफ करके आ गई हूँ, खाना बन गया, तो लोग ऐसे मिलके सारे काम कर लेते हैं, लेकिन आजकल तो इनको हेल्पर मिल गया है भाई हर चीज में। अनामिका ये काम कर दो बेटा चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। कहाँ गए हो? अपने आप गई हो ना, चलो वापस आओ, ए सोने वापस आओ। रो गया छोटू ले लो, अब हम ना उठ रहे, अरे ले लो बाबू, ले लो अरे ले लो, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ।